टी20 का ये कैसा सिलेक्शन, अजीब फैसलों से फंसे स्काई, टीम इंडिया की मुसीबत बढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, मुसीबत बढ़ा दी गई है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए एक टीम अनाउंस हुई है ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए। वहाँ 4 टेस्ट मैच खेले जाएंगे दोस्तों 22 नवंबर से। वहीं उसके बाद टी20 स्क्वाड साउथ अफ्रीका दौरे के लिए अनाउंस की गई है दोस्तों। अब ये दोनों टीमें जो अनाउंस की गई हैं दोस्तों, इसमें लफड़ा पड़ गए हैं दोस्तों। इस लफड़े में यहाँ पर फंस चुके हैं दोस्तों स्काई। वो कैसे दोस्तों? क्योंकि एक ऐसी टीम के सामने और ऐसा स्क्वाड सामने इनके हाथों में थमा दिया गया है, जिससे जीतना हारना वो तो वक्त बताएगा, परंतु टीम को देखकर, पेपरों पर देखकर तो यही लग रहा है कि मुसीबत बढ़ने वाली है अब स्काई की दोस्तों। क्योंकि नए नए कप्तान बने हैं और ऐसी टीम थमा दी गई है, जिससे वो भी ऐसी टीम के सामने जो कि आपको पता है फाइनल खेली हुई है इंडिया के खिलाफ टी20 साउथ अफ्रीका के दौरे में, और वो भी विदेश में जाएगी टीम इंडिया। तो बात करेंगे कौन सा सिलेक्शन सही है, कौन सा गलत है, और आपकी क्या राय है ये जानने की कोशिश करूंगा, आप भी कमेंट करके बताना। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। उससे पहले अगर वेबरेज क्रिकेट पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहला फैसला क्या लिया गया है देख लेते हैं। इस सिलेक्शन पे सबसे महत्वपूर्ण बात, बीजीटी यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने वाला एक भी नाम शामिल नहीं है दोस्तों। जो ऑस्ट्रेलिया टीम जाएगी उसमें से कोई भी एक भी खिलाड़ी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको पता है WTC का मैटर चला है यहाँ पर। जब इंडिया में ही दोनों न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच हुए, हार का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद यहाँ पर ये फैसला लिया गया कि बिल्कुल पहले से जाना पड़ेगा। इसके कारण वहाँ पे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया पर, वो जाना महत्वपूर्ण है टी20 के बजाय दोस्तों। स्काई हार्दिक संजू अच्छर ही है अनुभवी इस पूरी टीम में दोस्तों, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ यहाँ पर अनाउंस किया। यहाँ पर सिर्फ 3 ही ऐसे खिलाड़ी हैं दोस्तों, 3 से 4 जो कि यहाँ पर अनुभवी है। स्काई हो गए, हार्दिक हो गए, संजू हो गए, अच्छर ही अनुभवी हैं सिर्फ और सिर्फ दोस्तों। बाकी कोई भी खिलाड़ी अनुभवी नहीं है, इतना है 1 साल का एक्सपीरियंस है इससे ज़्यादा। मयंक यादव और शिवम दुबुक भी चोट के कारण बाहर हैं दोस्तों, जो नए सितारे थे। एक उस नाम था मयंक यादव का, जो कि यहाँ पर अफ्रीका दौरे पर जाते तो कुछ और अच्छा प्रदर्शन करके दिखा सकते थे, क्योंकि वहाँ की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होंगी तो उसमें और निखर करके आ सकते, परंतु ऐसा मौका वो गवा चुके हैं। उनकी गलती नहीं है, चोट के कारण ऐसा हुआ है। शिवम दुबे भी चोट के कारण बाहर हो चुके हैं दोस्तों। रियान पराग और कुलदीप यादव रिहैब में है दोस्तों, उनकी फिटनेस चेक हो रही है दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम है फिटनेस। जब फिट होकर के आदमी आता है उसको रिहैब में रखा जाता है, चेक किया जाता है कि क्या प्रॉपर वर्क करने लायक है या नहीं है दोस्तों। दूसरा नाम आता है अक्षर वरुण और बिश्नोई, 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं दोस्तों। अब ये इनसे सवाल करिए दोस्तों, विदेशी दौरे पर 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स का क्या ज़रूरत है दोस्तों? यहाँ पर आप किसी नए खिलाड़ी को दे सकते हैं तो मौका, एक सलमान कश्मीर के आए हैं, उनको अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उनको भी मौका दिया जा सकता था। यहाँ 3 स्पिनर्स की क्या आवश्यकता थी? माना 2 रख लेते तब भी कोई समस्या नहीं। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब फाइनल जो पूरी टीम यहाँ पर अनाउंस की गई है दोस्तों, देख लीजिए। सूर्य कुमार यादव कप्तान बने हैं, अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, रिंकू सिंह है, तिलक वर्मा है, जितेश शर्मा है विकेट कीपिंग तौर पर, और हार्दिक पांड्या अपने ऑलराउंडर पर हैं, अक्षर पटेल हैं, रमनदीप सिंह है, ये अच्छा एक नाम चुना है रमनदीप सिंह का, बहुत ही बढ़िया काबिल ऑलराउंडर के रूप में उभरे हैं। अभी जो इमर्जिंग प्लेयर की सीरीज चल रही है, एशिया कप चल रहा है, वहाँ पर ताबड़तोड़ अच्छी पारियाँ खेली हैं। वरुण चक्रवर्ती है, ये भी ठीक नाम है। रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, विजय कुमार वैसाख की क्या आवश्यकता थी दोस्तों? RCB ब्लड है दोस्तों, इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, कोई और पेसर्स आ सकता था इसकी जगह पर। विजय कुमार वैसाख का कुछ हालिया नाम भी नहीं है और कुछ काम भी नहीं इन्होंने IPL में किया ना उसके बाद। यश दयाल, ये भी ठीक ठाक है, ठीक ही ठाक आएंगे। ये 2 नाम थोड़े से चौंकाने वाले हैं, विजय कुमार वैसाख और यश दयाल के रूप में। आपकी क्या राय है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करिए।